नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल गगनयान ज्ञान में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बिहार एसआई के बारे में। बिहार एसआई का कटअप आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका ऑफिशियल कटअप दे दिया गया है, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आप यहां से सारी कैटेगरी का कटअप देख सकते हैं, जैसे जनरल का 132.2 गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 117.6, बीसी के लिए 125.2 और ईबीसी के लिए 118.6। तो आप यहां सारी कैटेगरी का कटअप देख सकते हैं अच्छे से, और कितने का सिलेक्शन हुआ, मेल में कितना हुआ, फीमेल में कितना हुआ, आप इस पीडीएफ में सारे देख सकते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ मेरे साइट पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्स सर्विसमैन का भी देख सकते हैं, ये एक्स सर्विसमैन का कटअप दिया गया है। दोस्तों बिहार एसआई में महिला वर्ग की कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा कटअप है दोस्तों, उसके लिए राहत है। मान के चले तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है उस पर सिलेक्शन हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं बीसी के लिए 36 और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और फिर ईबीसी के लिए 30 और एसटीएससी के लिए 30-33। तो देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है 30%, तो उससे ज़्यादा कुछ अगर 5-2 है तो 2-3% ज़्यादा भी है तो मतलब हो गया है सिलेक्शन। तो महिला वर्ग के लिए राहत है। और वही मैं पुरुष वर्ग की बात करूं तो पुरुष वर्ग का बहुत हाई कटअप चला गया दोस्तों, इतना कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि इतना कटअप भी जाएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए तो आप इसका पीडीएफ, नीचे लिंक दिया गया है साइट का, वहाँ जाके डाउनलोड करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से अच्छे से आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम में अपेयर हुए, कितने कैंडिडेट ने एडमिट कार्ड निकाला, कितने कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं, सारी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।